हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक लिस्ट जारी किया है AIIMUP ने, और उस लिस्ट में देखते हैं किसको क्या पद मिला है, क्या भार मिला है, उसी के हिसाब से हम लोग बातें करेंगे स्टूडियो के अंदर। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर बात करते हैं शमीम अहमद तुर्क एडवोकेट, उनको यूपी का जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, और इसी तरह राजा राम वर्मा, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इकबाल अहमद, इनको ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। इसरार अहमद, इनको सेक्रेटरी बनाया गया है। इसी तरह इरफान पठान, मौलाना मोहम्मद जाकिर, हाजी अब्दुल साहब, ये सारे जो है ये सेक्रेटरी साहब, ये सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नाजिम अल्ताफ, इन सबको जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मतलूब, कैलाश कुमार गौतम, हामिद, इसी तरह सदरुल हक साहब, इन सबको एग्जीक्यूटिव जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा आप कुछ नाम इस तरीके का है कि आदिल साहब, इनको एग्जीक्यूटिव मेम्बर और स्पोक पर्सन बनाया गया है वहाँ यूपी के। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ से जाकिर साहब, एजाज, सुनवर, सैयद अजमल, मोहम्मद उस्मान, आरिफ इकबाल, इमरान सिद्दीकी, उस्मान सिद्दीकी, वसी सिद्दीकी, इन सबको जो है ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सबके मोबाइल नंबर भी है, आप जिनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी से, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी डरने वाली बातें नहीं है। इसके अलावा कुछ लिस्ट इस तरीके का जारी हुआ है कि जिसमें से एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ तक हो गया, इंचार्ज जो यूपी वेस्ट के जो है वो सलीम त्यागी साहब को बनाया गया है, और ईस्ट जो है यूपी इंचार्ज है वो जो है बाबर अहमद को बनाया गया है। इसके अलावा इंचार्ज ये आप देख सकते हैं कि आतिफ मुबीन को भी इंचार्ज बनाया गया है, और यूथ का जो जनरल सेक्रेटरी है वो शोएब आजम को बनाया गया है। इसके साथ में एहतशाम को भी बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी यूथ, और सेक्रेटरी यूपी का जो यूथ है वो बनाया गया है सैयद अजीम अली को। इसी तरीके से सेक्रेटरी यूपी का जो यूथ है उनका जो है ये भी सैयद जो है साहब को बनाया गया है। तो इसके अलावा ऑफिस इंचार्ज की अगर बात की जाए तो मोहम्मद आलम को बनाया गया है। तो ये सारे ये लिस्ट जो है बेसिकली जारी किया शौकत अली, जो कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है यूपी उत्तर प्रदेश के। और ये लिस्ट जारी करने का एक ही मतलब है, एक ही पर्पस है कि ये दिखाना कि हम लोग भी तैयार है, क्योंकि इसी साल के लास्ट में वहाँ पर भी इलेक्शंस होने हैं पंचायत वगैरह के, और उसमें ये लोग भरपूर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ही। उम्मीद यही है कि बेहतर रिजल्ट हो, बेहतर परिणाम हो, इसके लिए मेहनत जारी है। जिस तरीके से बिहार के अंदर मेहनत जारी है, इस तरीके से यूपी के अंदर भी एक नए तरीके के जोश पकड़ा है। अब कितना ये मेहनत रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरीके के लिस्ट जारी करके, इस तरीके के जिम्मेदारियाँ देकर एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, वो बहुत ज़रूरी था। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।